फिर हमने रिमी अस्सलामुअलैकुम मेरे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्स व अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आमीन। मैं आज की रेसिपी बना रही हूँ आलू गोभी। ये मैंने 1 किलो आलू ली, 1 किलो मैंने गोभी ली है। अच्छी तरह इसको मैंने वॉश कर काट लिया है। ये आधा किलो मैंने आलू लिए, इनको भी अच्छी तरह वॉश कर काट लिया है। ये 1 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट है, 1 प्याली प्याज है, ये 1 टीस्पून है सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी, ये 1/2 टीस्पून जीरा है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ये 2 टमाटर है इनका पेस्ट बना हुआ, ये मेथी है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ये नमक है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून ये साबुत धनिया। ऑयल मैंने रख दिया है बड़ा चम्मच गर्म करने के लिए। दो बड़े चम्मच मैंने ऑयल डाला, प्याज डाल दिया, प्याज हमारा गोल्डन हो गया है। अब मैं लहसुन अदरक पेस्ट डाल रही हूँ, ये टमाटर डाल रही हूँ, मसाले की अच्छी तरह बनाई होगी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं गोभी डाल रही हूँ,
ज़्यादा नहीं डाल रही। थोड़ा सा धनिया वो डाल दीजिए। हमारी आज की रेसिपी तैयार होने वाली है। आज की रेसिपी तैयार हो गई है। मैं डिश आउट कर रही
मुझे थोड़ा सा धनिया है ये डाल रही हूँ। हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, तो हमें याद रखना। कल की रेसिपी में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।